यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और राज्यसभा सदस्य जनरल जीपी वत्स ने कश्मीर में पत्थरबाजों को बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को गोली से उड़ाने की जरूरत है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया कई बार करारी मात भी दे चुका है, पर कई बार राजनीतिक मजबूरियों की वजह से ढील देनी पड़ती है। वैसे तो पाक पर टूटने के कगार पर है। बता दें कि वत्स भिवानी में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा राज्यसभा की टिकटों के लिए बार बार उठते सवालों पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पाक साफ है, क्योंकि बीजेपी कभी भी राज्यसभा की टिकटें ना खरीदती है और ना ही बेचती है। तो इसी के साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार से फोन लाइन हमारे साथ सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित कुमार जी, अब डीपी वत्स का जो ये बयान आया है, उससे राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ खलबलियां मचनी शुरू हुई है? बिल्कुल, जिस तरह का बयान जनरल डीपी वत्स के द्वारा दिया गया है, जो कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी है और पूर्व फौजी भी है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जनरल ने जिस तरह का बयान दिया है कि ईंट पत्थर मारने वालों पर जो है, ईंट बरसाने वालों पर, पथराव करने वालों पर कहीं ना कहीं उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, जो पत्थर मारते हैं उनका जवाब गोली से दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। आपने कई मायने ये बयान लिए हुए हैं, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए, सत्ताधारियों की बात की जाए, राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने भी जिस तरह की बात कही थी, एक बयान आया था मीडिया के जरिए सामने कि 6000 ऐसे पत्थरबाजों के जो उनको माफ कर दिया गया है। हालांकि खुद माना है जनरल डीपी वत्स ने कि उनका जो पार्टी का बयान कुछ भी हो सकता है, लेकिन बतौर फौजी और बतौर एक सांसद जो है, उनका जो बयान है वो यही स्टैंड करता है कि ऐसे लोग जो कि सैनिकों पर पत्थरबाजी करते हैं उनको सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी लाइन चाहे कुछ भी कहती हो, सत्तासीन जो लोग हैं चाहे महकमे के मंत्री कुछ भी कहते हों, लेकिन उनका खुद का बयान है कि ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। जी सुमित कुमार जी, भले ही ये बयान व्यक्तिगत हो, लेकिन उनकी छवि जो उनका एक कार्य है वो एक नेता के तौर पर है, और ऐसे में इस प्रकार के बयानों का क्या कुछ अर्थ निकाला जा सकता है? जाहिर सी बात है, जिस तरह का बयान दिया गया है ये बात खुद उन्होंने मानी है, डीपी वत्स जो की जनरल भी रहे हैं, उन्होंने खुद मानी है कि ना केवल वो एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है, बल्कि उससे पहले एक फौजी भी है, उनका परिवार फौज में है। चाहे बेटे की बात की जाए, बेटी की बात की जाए, उस इस बात का इल्म है कि किस तरह का सलूक किया जाता है। कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर में किस तरह से पथराव किया जाता है, तो ऐसे लोगों को किसी कीमत पर कतई जो है ना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। इस तरह की बात जनरल डीपी वत्स के द्वारा कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी जोड़ी है, खुद कहा है कि पार्टी लाइन चाहे कुछ भी कहती हो, पार्टी के विचार अलग हो सकते हैं, भले ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान अलग हो सकते हैं, लेकिन बतौर फौजी बतौर जनरल उनका मानना है कि ऐसे के साथ इसी तरह का सलूक किया जाना चाहिए, गोली से उड़ाना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि सैनिकों पर पथराव करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें डीपी वत्स का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों को, जो कश्मीर के पत्थरबाज हैं, उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए।